हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 टेस्ट पेपर 5 और ये क्लास 6 आरएस अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 103 पर दिया हुआ है। और इसको पूछा है सूरज कुमार ने, सर क्वेश्चन 4 समझ में नहीं आया। ओके सूरज जी, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। क्वेश्चन 4 ये है, रिप्रेजेंट 2 होल 3/5 ऑन नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो 5 का मल्टीपल 2 में करते हैं, प्लस 3 है ना, ये तो करते हैं क्या, 5 × 2 प्लस न्यूमिनेटर जो भी है अपन भी रहता है जो है, तो कितना हो गया 5 × 2 = 10 प्लस 3 13/5। कोई सा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, सबको पहले आप अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिनोमीटर को देखो कि डिनोमीटर में क्या है, क्या है 5। अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ये नंबर लाइन का 0 हो गया। अब इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस लोगे आप, इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगा लो, हाफ हाफ सेंटीमीटर ले लो बोथ साइड, है ना। मैंने तो 0 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि प्लस का नंबर है। इक्वल डिस्टेंस पर मैं हाफ मार्क लगाता जा रहा हूं, और जरूरत और बढ़ा लेंगे। अब ये अपॉन में क्या है 5, तो पहला मार्क आप गिनोगे 1/5, ये 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 भी आ गया। 5/5 का मतलब क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो नंबर लाइन का ये 1 हो गया। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 10/5 का मतलब 5 से 10 2 बार कैंसिल हो गया, 2 हो गया। ये हो गया 11/5, 12/5, 13/5, ये आंसर आ गया आपका। तो ये नंबर लाइन का शो करेगा किसको, क्या था आपका 2 होल 3/5। अब ऐसे क्या होगा, 13 था ये, है ना, तो ये 14/5 का मतलब ये नंबर लाइन का 3 हुआ, आंसर हो गया। बस समझ में आ गया, इक्वल डिस्टेंस मार्क अगर डिनोमिनेटर में 7 होता तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 ये नंबर लाइन का 1 होता, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से हम सब कोई सा भी नंबर हो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है सूरज कुमार जी आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनीष कुमार जी ने, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 6। लेकिन मैंने बुक निकाली तो इसमें तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8 थे में 4 ही क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। ओके, तो मनीष जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मनीष कुमार, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दोबारा से चेक करिए, आप सही से बताइए, है ना, और कौन सी एक्सरसाइज है या क्लास आपने गलत लिख दी। क्लास 6 का ही है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8A लिख रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन 5 है ही नहीं। आप बता देना कमेंट बॉक्स में, उसको दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट का 5th पार्ट तो नहीं पूछा कहीं, तो क्योंकि और क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल है, 3 में 4 में है ही नहीं, तो 1 का 5th पार्ट में कर देता हूं। हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट पूछा हो, लिखना भूल गए हो, तो मैं 1 का 5th पार्ट कर रहा हूं। ये पेज नंबर 10 पर है, एक्सरसाइज 8th थे, जो कि मनीष कुमार जी ने पूछा है, क्लास 6 आरएस अग्रवाल मैथ का। 1 का 5th पार्ट, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर एंड साइन ऑन बेसिक ऑपरेशन। 5th पार्ट एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में शो करना है। तो 5th पार्ट 1 का ये है, 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ ए एंड बी, 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो देखो 1/3 ऑफ एक्स क्या हो, 1/3 का तो 1/3x, इसमें मल्टीपल करना है किससे, सम ऑफ ए एंड बी, तो सम ऑफ ए एंड बी का क्या होगा, ए प्लस बी, बस ये आंसर आ गया। जैसा था इसका सकते इंटू ना लिखो तो एक ही चीज है। ओके मनीष जी, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो ये आपका ये हो गया, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोबारा समझ लीजिए, ये कहता 1/3 ऑफ एक्स, तो 1/3 ऑफ एक्स क्या होगा, 1/3x, मल्टीप्लाई करना है इसमें मल्टीप्लाई वाई किससे, सम ऑफ ए प्लस बी, ए और बी का सम क्या होगा, ए प्लस बी,
मल्टीप्लाई का इंटू, तो ऐसी भी छोड़ सकती है आप, और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं हो तो इंटू, तो ये होगा 1/3 एक्स इंटू ए प्लस बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि श्वेता तिवारी जी ने पूछा है। तो श्वेता जी आप देखिए 9A का इसी तरह मनीष की तरह आपने भी गलती करी है थोड़ी सी, इसमें भी सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है नहीं। अब 1, 2, 3, 4 सब में 5 से अधिक पार्ट है, आपने किस क्वेश्चन का 5th पार्ट पूछा है मुझे पता नहीं है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किस क्वेश्चन का 5th पार्ट पूछा है। मैं अपनी तरफ से आप क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 का। ये एक्सरसाइज 9A की बात चल रही है, ये भी क्लास 6 का ही है, जो कि पेज नंबर 139 पर है। तो फर्स्ट का 5th पार्ट ये है, सुविता जी ठीक से देखिएगा। 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज एक्स, इसे हमें इक्वेशन के स्टेटमेंट लिखना है। तो नंबर नहीं मालूम, हमने मान लिया अपनी तरफ से लेट नंबर वी एक्स, ठीक है ना। अब ये क्या है, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, तो किसी नंबर का थ्राइस, नंबर हमने मान लिया एक्स, तो उसका थ्राइस क्या होगा 3x। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5 सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 5 इज 16। जब हम 5 इस नंबर के 3x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इज इक्वल 16। बस ये इसकी इक्वेशन हो गई। ओके श्वेता तिवारी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझ लो। इसमें कोई नंबर है, नंबर हमने अपनी तरफ से मान लिया लेट द नंबर बी एक्स। अब ये कह रहा है 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द थ्राइस अ नंबर, हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना उस नंबर के 3 टाइम में से इस 16, यानी कि किसके इक्वल हो जाता है 16 के। तो नंबर इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस 5 इक्वल टू 16। बस इसको सॉल्व नहीं करना, केवल इक्वेशन बनानी है। हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट पूछा हो, तो मैं 2 का 5th भी कर दे रहा हूं। इसका रिवर्स है, जैसे इक्वेशन दे रखी है तो स्टेटमेंट लिखना है। राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो, और 5th पार्ट आपका ये है इसमें 12y माइनस 30 इज इक्वल 6। अब इसको क्या लिखेंगे स्टेटमेंट बताइए, जैसे ऊपर लिख रहे थे 13 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इस 16, या 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और या 3 टाइम्स था या 12 टाइम्स हो गया है ना। तो 12 टाइम्स वाला स्टेटमेंट बना दो, क्या हो जाएगा कि 12 टाइम्स द नंबर कौन सा दे रखा है y, चलो मैं लिख देता हूं, इसे लिखेंगे ऐसे लिख दो, स्पेलिंग की जरूरत क्या है, 12 टाइम्स द नंबर क्या है x y, जो भी है y है तो नंबर y, 12 टाइम्स द नंबर y डिक्रीज माइनस का डिक्रीज, या ऐसे भी ले सकते हैं, अब बताऊंगा अभी, डिक्रीज y कितना डिक्रीज कर रहे हैं 30, और ये किसके इक्वल है एज 6, या ऐसे ले सकते हो 30 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12 टाइम्स अ नंबर इज 6। कैसे, ये आपने ये लिख दिया, या ऐसे लिख दो 30 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टाइम्स ऑफ y एज 6, कुछ कोई सा स्टेटमेंट लिख दो। ओके तो श्वेता तिवारी जी, मुझे उम्मीद है आपकी यही प्रॉब्लम होगी, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में साफ साफ लिखिए कौन किस क्वेश्चन का 5th पार्ट, क्योंकि इसमें आपने केवल 5 लिख दिया है और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है ही नहीं। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 18, ये क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ का, जो कि पेज नंबर 102 पर दे रखा है, और ये पूछा है यूनिक डांस विद सवनीत, इनका लगता है कोई चैनल होगा सवनीत जी, ओके यूनिक डांस विद सवनीत, ओके सवनीत जी देखिए ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई माइनस 2/3 ए स्क्वायर बी वाई 6/5 ए क्यू बी स्क्वायर, हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर ए इज इक्वल टू एंड वी इज इक्वल 3। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या करना है हमें, माइनस 2/3 ए स्क्वायर वी से का मल्टीपल करना है 6/5 ए क्यू वी स्क्वायर, देखें क्या आएगा मल्टीपल, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट मल्टीपल होता है ये तो आप जानते हो, तो चलो मैं लिख ही देता हूं माइनस 2/3 इंटू 6/5, मैंने कॉन्स्टेंट पास पास लिख लिए। अब ए स्क्वायर का ए क्यूब मल्टीपल करेंगे, जब मल्टीपल करते तो पावर एड हो जाती है, तो ए रेज टू द पावर कितनी हो गई है 2+3 5, और बी की पावर यहां 1 यहां 2, तो बी की पावर कितनी हो गई 3, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 4/5
ए रूज टू द पावर 5 एंड बी रेज टू द पावर 3। ये तो इसका आंसर हो गया प्रोडक्ट। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन देखें कैसे होगा। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, दोनों सेम होनी चाहिए, एलएचएस इक्वल आरएचएस आ जाता है तब तो हमारा वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं। तो चलो वेरिफिकेशन, हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस क्या है, माइनस 2y3 ए स्क्वायर वी इंटू 6/5 ए क्यू बी स्क्वायर। ओके सबनीत जी, देखिए तो ये क्या हो गया, मल्टीपल करेंगे माइनस, ये तो हो गया, चलो अभी नहीं कर रहे ऐसे, नहीं कोई पूछी हो जाएगी। ए की वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू दे रखी है 2 और बी की वैल्यू 3, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू 3 इंटू 6/5 ए, ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब इंटू बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 4, ये आ गया इंटू ये 6 है अपॉन 5 है, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 8 आ गया, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। बाकी तो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं होगा, तो बस मल्टीपल कर ले रहे हैं, 6 4 जा 24 24 2 जा 48 48 इंटू 72 अपॉन में तो 5 आएगा 48 इंटू 72 कर ले रहे हैं, यहां पर कर ले रहे हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम, 4 2 जा 8 8 से जो 48 और 8 हाँ ठीक है ये आएगा, 2 8 जा 16 कैरी 1 2 4 48 2 जा 96 होते हैं, 7 8 जा 56 कैरी 5 7 4 जा 28 28 और 5 33 6 9 6 15 कैरी 1 3 4 5 6 ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम डिवाइड बाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के इक्वल आने चाहिए। अब हमने आरएचएस लिया, आरएचएस क्या निकल के आया था, माइनस के 4/5 ए रेज टू द पावर 5 बी रेज टू द पावर 3, तो माइनस 4/5 ए रेज टू द पावर 5 बी रेज टू द पावर 3, ए की वैल्यू पुट कर दें और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 2 दे रखी है 2 रेज टू द पावर 5, बी की वैल्यू 3 3 रेज टू द पावर 3, तो ये हो गया माइनस 4/5 2 की पावर 5 होता 32, 2 का 5 बार मल्टीपल, देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये 32 हो गया, और 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27, तो ये कितना होगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और उसमें 27 से मल्टीपल करना है, 7 8 जा 56 लास्ट में 6 है ठीक है, कैरी 5 7 2 जा 40 और 5 19 कैरी 1 7 बन जा 7 और 1 8 इंटू 2 से 28 2 जा 56 और 5 2 बन जा 2 6 9 6 15 कैरी 1 9 5 14 कैरी 1 3 4 5 6 तो माइनस 3 4 5 6 अपॉन 5, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आई, और लेफ्ट हैंड साइड क्या यही है, दोनों सेम है, तो बस फिर लिख दोगे सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, बस ये वेरीफाई हो गया, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आना चाहिए, तो इससे क्या हुआ हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हुआ। ओके तो सबनीत जी मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9A क्लास 7 जो कि पेज आरएस अग्रवाल मैथ का ये पेज नंबर 133, और ये अर्पिता बनर्जी ने पूछा नहीं है, उन्होंने बताया है सर एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 26 है नॉट 6, हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, अगर मिस्टेक हो गई है तब भी मुझे करनी है ये सवाल, या हो सकता है मैंने खड़ा सही हो लिख के रख दिया, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अर्पिता बनर्जी, ओके तो थैंक यू अर्पिता, इस तरह से अटेंशन देना चाहिए ना मुझे आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज, चलो मैं लिख लूं ये दे रखा मैं कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क, ये हमें दे रखी है 6290 रुपीज, तो व्हाट लेंथ ऑफ द सिल्क कैन बी परचेज फॉर 4420 रुपीज, चलिए चेक करते हैं
सही है, सिक्स तो नहीं आएगा, 26 ही सही होगा, क्योंकि इतने में 37, तो 4000 तो हाफ से भी ज्यादा है, 37, हाँ ठीक है, सिक्स तो नहीं आएगा, सिक्स से ज्यादा ही आएगा, आप सही कह रहे हैं। चलिए निकालते हैं, इसको रिवर्स करते हैं क्या, देखो यूनिटी मेथड से इन रुपी कितने रुपीज है, 6290, 6290 रुपीज में हम कितनी लेंथ सिल्क खरीद सकते हैं, 37, वी कैन परचेज 37 मीटर ऑफ सिल्क, तो इन 1 रुपीज वी कैन परचेज 37 अपॉन 6290 मीटर ऑफ सिल्क है ना, और कह रहा है 4420 रुपीज में, तो इन रुपी 4420 वी कैन परचेज 37 इंटू 4420 अपॉन 6290, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, ओके 37 से ही कैंसिल करना पड़ेगा, ये 37 से 629 कितनी टाइम्स जाएगा, 629 डिवाइडेड बाई 37 ये गया 17 टाइम्स, मैंने कैलकुलेटर से चेक कर लिया, 37 से ये 17 टाइम्स गया, और 17 टू जा 34, 10 10 76 जा, बिल्कुल ठीक है, 26 मीटर ऑफ सिल्क, तो अर्पिता बनर्जी ओके थैंक यू, आपने मुझे बताया 26 मीटर होगा, मैं अभी वीडियो देखूंगा, मैंने काम स्टिक करी, हो सकता है मैं कैलकुलेट कराओ टू लिखना भूल गया हूँ, आलनी सिक्स लिखाओ, क्योंकि ये तो सिंपल सा सवाल था, मिस्टेक होने नहीं चाहिए थी। चलिए ओके थैंक यू, क्या होता है अर्पिता बनर्जी, ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टेस्ट पेपर 2, ये क्लास 8th आरएस अवल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 32 पर, और ये पूछा है छिद्दा सिंह, छिद्दा ही नाम हुआ, हाँ छिद्दा सिंह जी, इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत है, किताब में 2/3 है, किताब में 2/3 दे रखा है, चलिए चेक करते हैं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है, जब पावर माइनस होती है तो हम इसको क्या लिखते हैं, अपॉन में ले जाते हैं, प्लस हो जाती है, तो 3 की पावर माइनस 1 या 3 रेज टू द पावर माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 1/3, 6 रेज टू द पावर माइनस 1 1/6 डिवाइडेड, इसी तरह यहां 3/4 रेज टू द पावर माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 4/3, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें, इसमें एलसीएम आएगा 6, 3 का डिवाइड 6 में, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया, 2 into 1 2 आ गया, 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स 1 बन जा 1, और डिवाइड कैसे होता है, इनटू कर दो, इसका रेसिप्रोकल 3/4, 2+1 कितना हो गया, 3/6 इंटू 3/4, 3 1 जा 3 2 जा, तो 3/8, ओके बुक का आंसर गलत है, 2/3 मैंने चेक करा था कब होगा, अगर ये पावर पॉजिटिव हो है ना, लेकिन यहां पावर माइनस है, अगर ये 3/4 होगा तो क्या होगा, यहां 3/4 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, उस कंडीशन में 2/3 आंसर आ जाएगा, लेकिन बुक में यही प्रिंट है 3/4 रेज टू द पावर माइनस 1, तब आंसर आएगा 3/8, ओके। तो छिद्दा सिंह मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बुक का ये आंसर गलत है, 2/3 इसका आंसर नहीं होगा, 3/8 ही होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13B क्लास 8, जो कि पेज नंबर 174 पर दे रखा है, ये भी आर एस अग्रवाल की बुक का है, और इसको पूछा है विकास राठौर ने, एक्सप्लेन अगेन प्लीज, सर प्लीज इसको अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है विकास राठौर जी, देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन यह है 3 men और 5 women, 3 men और, ये ध्यान रखना, और 5 women, 5 women, इसका मतलब क्या, या तो 3 आदमी या फिर 5 ladies है ना, वुमेन, अब सुनो आगे, कैन डू अ वर्क इन 12 days, यानी कि इसका मतलब ये 3 आदमी किसी वर्क को 12 days में करते हैं, या अब 5 women, एक लेना है इनमें से, एक दोनों नीचे लेंगे, एंड होता दोनों लेते, यानी कि अगर हम वर्क की दृष्टि से देखें तो 3 men का वर्क किसके इक्वल है, 5 women के इक्वल है ना, तो अकॉर्डिंग टू वर्क, वर्क के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क, वर्क के हिसाब से, वैसे 3 आदमी 5 आदमी के बराबर तीन हो जाएंगे है ना, तो 3 आदमी का वर्क 5 ladies वुमेन के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क क्या हुआ, 3 men किसके इक्वल है, 3 men इक्वल है 5 women के वर्क के, जितना 3 आदमी वर्क कर रहे हैं किसके इक्वल, जितना 5 women करती हैं, तो 1 man का किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्क 1 man का वर्क किसके इक्वल होगा, 3 को अपॉन में कर दें
फाइव अपॉन थ्री वुमेन के, यानी कि वन मैन का वर्क उतना है जितना फाइव अपॉन थ्री वुमेन्स वर्क कर रही हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ये क्या है, तीन आदमी या पांच औरतें, यानी थ्री मैन और फाइव वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यानी कि अगर मैन ने तो थ्री मैन कर सकते हैं 12 डेज में। ये तो मतलब हुआ। अभी अब आगे पढ़ते, पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल सिक्स मैन एंड फाइव वुमेन, अब हमें ये बताना है तो बताओ सिक्स मैन एंड फाइव वुमेन, हमें ये बताना है। अच्छा, यहां फाइव वुमेन दे रखा, तो फाइव वुमेन इक्वल टू सिक्स मैन दे रखे थे, थ्री मैन तो यहां पर चलो बताऊंगा। अब फाइव मैन एंड क्या पढ़ रहा हूं, सिक्स मैन एंड फाइव वुमेन टेक टू डे, तो समझ लो क्वेश्चन द्वारा समझिए, थ्री मैन एंड नहीं और है, थ्री मैन और फाइव वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, तो इन हाउ मेनी डेज सिक्स मैन एंड फाइव वुमेन टेक डू इट, इसको करने में इतने लोग कितने दिन में करेंगे। अब देखो सिक्स मैन एंड फाइव वुमेन इक्वल टू कितना होगा, ये इसका मतलब है सिक्स मैन प्लस फाइव वुमेन, इस कंडीशन को मैं लगा ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि फाइव वुमेन इक्वल टू थ्री मैन के दे रखा है, तो इस फाइव वुमेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स मैन प्लस थ्री मैन, है ना, तो इक्वल टू कितने हो गए, नाइन मैन। तो क्या हुआ, हमने मैन में कन्वर्ट कर लिया, जब मैन में कन्वर्ट कर लिया तो उस वाली कंडीशन में हम सिर्फ मैन लेंगे। क्या थ्री मैन करते हैं कितने दिन में, 12 डेज में, ऊपर लिखा हुआ है सीधा सीधा कि थ्री मैन और फाइव वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, तो लिख लो यूनिटरी मेथड से, थ्री मैन कैन डू द वर्क इन 12 डेज, तो वन मैन किसमें करेगा, ये तो पता है रिवर्स होता है इसमें वर्क में, जब आदमी कम हो गए तो नंबर ऑफ वर्क डे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, तो ये करेंगे 12 इंटू थ्री डेज में। विकास समझ में आ रहा है, दोबारा समझ लो, देखो थ्री मैन करते हैं 12 डेज में, तीन आदमी है आपने घर पर, समझ करो व्हाइट वॉश करानी है, तीन आदमी लगा दिए और वो पूरा का पूरा आपका पूरा मकान व्हाइट वॉश करके 12 डेज में चले गए। अब सेम मकान है, आपने तीन की जगह एक आदमी लगाया, तो जल्दी करेंगे कि ज्यादा, ज्यादा टाइम लेंगे, है ना, कितना, थ्री टाइम्स लेंगे, तो थ्री टाइम्स का थ्री से मल्टीप्ल करना है, इसलिए एक आदमी क्या करेगा, ज्यादा दिन में, तो मल्टीपल होगा 12 से। अब पूछा कितना है, नाइन आदमी, वन मैन तो कर रहा है इतने में, अब इसका रिवर्स कर लो, एक आदमी अगर आपके घर की वाइट वॉश करता है 60 दिन में, और हम कह रहे नौ आदमी, तो कितने हो गए, कम दिन में, कम के लिए डिवाइड होता है, बस ये आंसर आ जाएगा, तो नाइन मैन विल डू द सेम वर्क 12 इंटू थ्री अपॉन नाइन, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, थ्री बन जा थ्री, थ्री जा और थ्री से 12 फोर, तो आंसर इज 4 डेज। तो विकास राठौड़ जी, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था 4 डेज, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके विकास जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 14B। अच्छा, ये भी विकास राठौड़ जी ने पूछा, आप ही का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं क्वेश्चन 11, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नहीं नहीं नहीं, हाँ क्वेश्चन ये है 11, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन, डेकागन मतलब जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 10, एन की वैल्यू 10, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, या तो आप गलत टाइप कर गए, क्वेश्चन द्वारा मैं देख लूँ, क्लास 8 का ही है, एक्सरसाइज 14B, क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज टेल मी विकास राठौर, ओके चलिए यही है, तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, n माइनस 3 इंटू 180 अपॉन n, ये ईच इंटीरियर एंगल का होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब जिसकी ईच साइड्स और ईच एंगल इक्वल हो, n की जगह वैल्यू पुट कर दो बस, तो 10 माइनस 3 इंटू 180 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 में से 3 सेपरेट करेंगे, 7 इंटू 18, तो ये आंसर आ जाएगा, 7 का मल्टीपल करें, 7 इंटू 56 कैरी 5, 7 मंजर 7 और 5 12, 18, 7, 126 होते हैं, क्या बच्चों ऐसा काम करा, ओके तो आंसर इज 126 डिग्री। अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए पूछा है, तो पहले ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन, डेकागन 10 ही होते हैं, एक बार चेक कर ले रहा हूं, 10 माइनस 3 इंटू 180 अपॉन 10, 0 से 0 का 10 में से 3 गया 7 और 7 8 जा 56
ठीक है, यही होगा, इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा उसने, है ना, इसमें मिसप्रिंट है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। जब आपके एग्जाम में आएगा तो चिंता ना करें, एग्जाम में सही आंसर लिखा होगा, वरना नहीं होगा तो आप सॉल्व करके लिख दोगे कि ऑप्शन इज नॉट गिवन। ओके, नहीं यहां मैंने एन माइनस थ्री लिख दिया, ये तो एन माइनस टू होता है ना, या मिस्टेक कर दिया, दोबारा देख लो विकास जी, है ना, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, एन माइनस टू होता है, मैं भी देखा था एन माइनस थ्री लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला, एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन, तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10, तो 10 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 में से टू सेपरेट करेंगे 8 इंटू 18 एट जब 144, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन होगी 144, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये कहोगे सर ये लगा दिया, चाहे n माइनस टू लिखो या 2n माइनस वन इंटू 90 डिग्री, वो एक ही बात है, 2 कॉमन ले लिया। आप लोगों की बुक में क्या दे रखा होगा, या तो 2n माइनस वन इंटू राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल है ना, मैंने 2 कॉमन लेके लिख लिया, वो एक ही चीज है, तो n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, ये नहीं होता, मैं n n माइनस थ्री तो डायगोनल लगाता, ये नहीं है ना, n n माइनस थ्री अपॉन टू होता है, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, ये तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके विकास राठौर, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम थी, बाकी आपकी इसी तरह जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।